जैसे कि मेरे पास एक फेरी वाला बंदा था, वो अपनी डेग लेके आया था। उसकी डेग मैंने एक ऐसी प्रॉब्लम देखी थी, जैसे कि बहुत कम डेगों में ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसकी एम्पलीफायर में ये वाला वायर जो आप देख रहे हो, ये वाला भी वायर, जैसे वो डेग महीने बनाई थी कुछ ना पहले, उसमें ये वाला वायर आप देख सकते हो जो हम अपनी बॉडी से अटैच करते हैं, वो भी हमारा लगा हुआ था, तब भी हमारी हमिंग आ रही थी। वो हमिंग क्यों आ रही है, जैसे मैं आपको साउंड सुनाऊँ कैसे हमिंग होती है। जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से हमिंग आ रही थी। तो ये हमिंग क्यों आ रही थी, तो मैं आपको उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगा, ये हमिंग क्यों आती है। यहाँ पे आपको कुछ रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। तो दोस्तों उसमें क्या था, उस वाले डेग में डायरेक्ट, उसमें यहाँ से मैंने पूरा सेशन चेक करा था, तो यहाँ से हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली थी। पर दोस्तों हमने इस वाली आईसी को चेक करा, तो इस वाली आईसी में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। ये टाइम भी हमने देख ली बदल के, उसके बाद भी हमारी हमिंग खत्म नहीं हुई। ये वायर भी हमने लगा दी, उसके बाद भी खत्म नहीं हुई थी। हमने हर तरफ से देखी, कंडेंसर भी चेंज करके देखा, तब भी हमारी हमिंग खत्म नहीं हुई। पर उसमें एक प्रॉब्लम थी, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, इस मीटर को आपको बजर पे सेलेक्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। बजर पे भी मेरा सेलेक्ट करा हुआ, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूँ कैमरा, जो मेरा थोड़ा ऊपर नीचे होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है अपन को भी। अब आप थोड़ा ध्यान से इसको सुनना। अब हमने जैसे कि इस वाले आईसी पे हमने यहाँ पर इस तरह से मीटर रखा था, जैसे जो होता है हमारी यहाँ पे, यहाँ से हमारा अर्थ मिलता है, ठीक है। हमारी इस वाली पिन को, जो हमारी इसकी लास्ट की पिन होती है आईसी की, उसमें हमें अर्थ मिलता है। तो यहाँ पर हमारी एक रेजिस्टेंस लगी होती है, आप ध्यान से समझना, आप ऐसे समझना, थोड़ा मीटर को मैं दूर रख दूँ। आप यहाँ पर देखें ध्यान से, यहाँ पर आपको एक अर्थ मिलता है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो, यहाँ पर एक आपको एमओ भी मिलेगी देखने को इस तरह से। कुछ लोग इसे मलका की दाल भी कहते हैं, मैंने सुना है ना अपने काफ़ी पड़ोसियों में। तो ऐसे यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पर आपकी पीएफ होती है लगी हुई, उसके बाद आपकी एक रेजिस्टेंस होती है। तो वो क्या था हमारा, उसमें जब मैंने इसे चेक करा, तो यहाँ पर हमें जैसे यहाँ पर आप चेक करना, यहाँ वैल्यू आप चेक करना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जैसे हमारी यहाँ पर वैल्यू मिल रही है 106। अगर आपके पास ऐसा मीटर नहीं है, तो आपके पास सुई वाला हो, तो सुई वाले में आपकी आधी सुई उठेगी, पूरी नहीं उठेगी, आधी उठेगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 105 और 106 कुछ दिखा दे रीडिंग इसकी। अब हमने जब यहाँ पर अपने जब हम इस वाली आईसी पे यहाँ पर इस तरह से हम रेजिस्टेंस पे रख के देखा हमने, तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर हमें इस वाली रेजिस्टेंस में हमें शॉर्टिंग मिली थी उस आईसी की प्लेट में, तो इसीलिए हमारे हमिंग की प्रॉब्लम आ रही थी दोस्तों। उस वाली में ये वाली रेजिस्टेंस शॉर्ट थी, जैसे उसमें थोड़ा नए मॉडल की 44-40 की प्लेट थी, ठीक है दोस्तों। तो मैंने उसकी उसके जो दिवाली जे है रेजिस्टेंस, मैंने उसकी रेजिस्टेंस इसमें डाली थी, जिससे आप समझ जाओ। अगर आपको डायरेक्टली बताया तो आप नहीं समझ पाते थे। तो जी वाली रेजिस्टेंस हमारी शॉर्ट हो गई, इसलिए हमारी हमिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। तो मैंने ये, सॉरी दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये मैंने अपने आप ही इसमें रेजिस्टेंस डाली थी। उस वाली उस समय वीडियो बना नहीं रहा था, वो एकदम कस्टमर आ गया, तो मेरे को कस्टमर जब होता है ना पास में, तो उसके सामने वीडियो नहीं बनाता, वीडियो बाद में बनाता हूँ। तो इसीलिए दोस्तों उस समय मेरे पास मौका तो अच्छा था, पर बना नहीं पाया। पर यहाँ पर हमारी ये वाली जो रेजिस्टेंस थी, वो दोस्तों मैंने शॉर्ट हो गई थी, इसीलिए उसमें हमिंग आ रही थी। मैं इस रेजिस्टेंस चक्कर में पागल हो गया था, मैंने पूरी प्लेट खो डाली। पर बगल में छोरा गांव में ढंडोरा, ऐसा ही कुछ लंगड़ हुआ था अपने साथ भी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने इस रेजिस्टेंस को निकाल के यहाँ पर हम दूसरी वाली रेजिस्टेंस लगा देंगे। अब हम जैसे स्पीकर के बारे में लगा के हम इसका आपको साउंड चेक करके दिखा देते हैं, आपको इसका साउंड चेक कराता हूँ किस तरह हमिंग। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लगा दिया, आपको अभी कुछ कुछ थोड़ा बहुत साउंड आपको सुनाई दे रहा हो या ना दे रहा हो, पर हमिंग यहाँ पर ही बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। अब वॉल्यूम फुल करते हैं। एक भाई ने मेरे को कमेंट किया था, वॉल्यूम फुल करके दिखाओ, वॉल्यूम फुल है। अब हम अपना पेन ड्राइव लाइव दिखा सकते हैं, आपको ऐसा ना लगे कि हमने स्पीकर निकाल दिया हो। इसीलिए ज़्यादा करे वो होते हैं ना, तो वो दिमाग लगाते हैं अपना, देख सकते हो बिल्कुल हमारा साउंड। ये छनकार है हमारी, देख सकते हो वो हमारी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। आप फिर तक फुल कर देते, अब वॉल्यूम हमारी फुल है। एक भाई ने मेरे को बोला था कि वॉल्यूम फुल करके दिखाओ, जब आप मतलब पेन ड्राइव निकाल दे तब देखते हैं हमिंग जाती है नहीं जाती है। अगर भाई अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए हमने वॉल्यूम को फुल करके दिखाया, हम कम भी कर दे रहे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, और मिलते हैं नेक्स्ट में। तो बाय बाय, मैं इस तरह वीडियो बनाता रहता हूँ, आप जैसा कमेंट करो वैसे आपके लिए वीडियो बना के दे दूँगा।